हे गाइस, वेलकम बैक टू डिस्कवरिंग नियर बाय। आई एम संकेत कश्यप और आज मैं बताने जा रहा हूँ सबसे बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग जो एक्शन कैमरा है, दैट इज DJI एक्शन 2। वैसे लोग डिनाई कर सकते हैं कि ये सबसे बढ़िया कैमरा नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बढ़िया है और मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ये क्यों सबसे बढ़िया एक्शन कैमरा लगा। तो बेसिकली वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बोल देता हूं कि ये कहीं से भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ना ही मुझे DJI एक्शन ने स्पॉन्सर किया है, ना ही मुझे अमेजन या किसी भी वेबसाइट ने स्पॉन्सर किया है। ये मेरा खुद का ऑनेस्ट ओपिनियन है। मैंने एक पहले वीडियो डाली थी जिसमें मैंने इसके इनिशियल इंप्रेशंस बताए थे और आज मैं इसका एक फाइनल रिव्यू दूंगा अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स के बाद कि ये कैसा है परफॉर्मेंस में। और ये इंडियन यूनिट है और DJI एक्शन 2 यूज करने से पहले मैं GoPro भी यूज कर चुका हूं, तो मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन भी दे पाऊंगा कि GoPro बेटर है या ये। और अगर आप इसको खरीदना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं चाहूंगा वहीं से ही खरीदना। तो आज मैं बात करूंगा बेसिकली इसके जो अच्छी चीजें हैं और जो थोड़ी चीजें मुझे बुरी लगी, आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये DJI एक्शन 2 आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और अगर आप इसकी एक अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं, वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट कर दिया, आप उसके अंदर देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वो देखने का टाइम नहीं तो मैं एक बार आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखा देता हूं। और ये है हमारा DJI एक्शन 2 का बॉक्स और इसे हम करते हैं अनबॉक्स। तो चलिए अब इसे खोलते हैं और जैसे ही आप इसे खोलोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐप के लिए QR कोड है और ये दिखा रखा है आप इसे चेस्ट पे कैसे माउंट कर सकते हैं, जो उसके साथ एक्सेसरी आई हुई है। और उसके बाद ये हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि हम पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, साइड में रखते हैं। और ये देखिए दिवाली के टाइम पे ऑर्डर किया है, देखिए क्यूट क्यूट बर्फी जैसे हैं, मतलब आई एम वेरी अमेज, ये बहुत ही ज़्यादा प्यार लग रहे हैं। बाकी फ़िलहाल वो मेन कैमरा यूनिट है और ये देख सकते हैं ये है स्क्रीन कॉम्बो जो इसके साथ एडिशनल स्क्रीन है। भाई मज़ा आ गया, चलो अभी फ़िलहाल साइड में रखते हैं इसे और देखते हैं क्या क्या है। तो ऊपर वाला पोर्शन जब खोलेंगे तो आपको मिलेगी एक चार्जिंग केबल, ये USB टाइप सी है तो बहुत बढ़िया है क्योंकि USB-C अब एक स्टैंडर्ड बनता जा रहा है, तो बढ़िया लगा। इसके साथ ये है सिलिका जेल, इसको खाना मत क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक हो सकती है। इसके बाद एक अच्छे से मुलायम रैपर में आपको मिलेगी, देखते हैं खोल के, और ये है एक माउंट, मैग्नेटिक माउंट जिससे आप GoPro की एक्सेसरी पे से माउंट कर सकते हैं या DJI एक्शन 1 की अगर आपके पास है उसमें एक्शन की एक्सेसरी उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। और इसके बाद आपको मिलेगा ये है एक नेकलेस जैसी चीज़, ये मैग्नेटिक है और इससे आप आसानी से माउंट कर सकते हैं अपने चेस्ट पे, इसे पहन के टी शर्ट के ऊपर से आप आसानी से माउंट कर देंगे, जो कि सबसे बढ़िया चीज़ लगी मुझे। ये शायद इन्होंने Insta360 Go 2 की कॉपी करी है। और इसके बाद आपको मिलते हैं ये ट्राइपॉड माउंट, ये बॉल हेड है और ये इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ डुअल स्क्रीन कॉम्बो के साथ आपको मिलेगा, ये आपको बैटरी कॉम्बो के साथ नहीं मिलेगा। और इसके साथ ये है एक माउंट लगा लीजिए, इसे आप इसे स्टिक कर सकते हैं जो कि रीयूजेबल है। तो ये है बॉक्स के अंदर सारे कंटेंट। हम इसका कैमरा ऐप डाउनलोड करते हैं, हम करेंगे स्कैन और ये स्कैन करते ही डाउनलोड करके और जैसे ही आप ये कैमरा ऐप डाउनलोड कर लोगे और जैसे ही वो डाउनलोड करके ओपन करोगे तो आपको शो कर देगा कि आपका DJI एक्शन 2 ये कैमरा है पड़ोस में, आप उसे कनेक्ट करना चाहेंगे और आप उसे ज्वाइन कर लेंगे और फिर आराम से आप इसकी लैंग्वेज वगैरह चूज करके इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि इनिशियली इसमें चाइनीज लैंग्वेज आ रही थी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव के बारे में कि क्या इसके अंदर अच्छाइयां हैं, क्या अच्छी चीजें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले पॉजिटिव चीज है इसका साइज। अब इसकी साइज की बात करूं तो सिर्फ कैमरा यूनिट इतना छोटा है, ये बहुत ज्यादा छोटा है और इसके साथ आपको बहुत सारे माउंटिंग ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि इसके साथ आपको मिलता है आपको चेस्ट पे लगाने के लिए एक चेस्ट माउंट टाइप चीज मिलती है जो एक लॉकेट सा है, तो उस पर छोटी सी चीज आप अटैच कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पता चलता लोगों को आपने कैमरा लगा रखा है, लेकिन हाँ आप आराम से अपने चेस्ट पे कैरी कर सकते हो विदाउट बर्डन। अगर आप GoPro की बात करो तो उसके लिए आपको एक चेस्ट माउंट चाहिए होता है जो कि बहुत बड़ा है, और अगर आप उसके साथ कोई ऐसा मैग्नेटिक माउंट लेना चाहोगे तो भी वो इतनी बड़ी हो जाती है कि आपके चेस्ट पे लगना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ही छोटा है जो इसकी सबसे बढ़िया चीज है। मेरे पास ऑलरेडी 3 कैमरे हैं, उसमें से फर्स्ट है मेरा जो DSLR है, उसके साथ साथ मैं सोनी ZV-1 भी यूज करता हूं, तो मेरे पास तीसरा कैमरा पकड़ने के लिए एक्स्ट्रा हाथ नहीं था। और वैसे तो मैं और मेरी वाइफ दोनों ही हम इकट्ठे शूट करते हैं, लेकिन फिर भी 3 कैमरा संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर इसे कैरी करना मुझे बहुत
ज़्यादा बढ़िया लगा कि इसे मैं आराम से कैरी कर सकता हूँ, चेस्ट पे माउंट कर लिया या अपनी पॉकेट में डालोगे तो भी आप आराम से इसे कैरी कर सकते हो। इसके अलावा अगर जहाँ इसके साइज की बात हो रही है तो जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही प्रीमियम है, चाहे वो इसकी स्क्रीन हो चाहे वो इसकी मेटल बॉडी हो, और जो इसके मैग्नेटिक हैं वो सब बहुत ज़्यादा सेफ है। आप देख सकते हैं कि इसे आप नहीं गिरा सकते चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो, तो क्योंकि इसके अंदर एक इन्होंने चीज़ें दी हैं, एक तो इसके अंदर हुक्स हैं साथ साथ मैग्नेट है, तो आपके लगभग खोने के चांसेस बहुत ज़्यादा रेयर हैं। अब ये तो है इसकी बिल्ड क्वालिटी और साइज के बारे में जो मुझे सबसे मेजर बेनिफिट लगता है। सेकंड है इसकी वीडियो क्वालिटी। नाउ वीडियो क्वालिटी इसकी बहुत अमेजिंग है, मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ। मैंने शुरू में जो सैंपल्स दिखाए वो इसी से ही शूट हो रखे थे, तो आपको पता चल गया होगा कि इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है। अब अगर लोग जो इसके साथ साथ कंपेयर करते हैं गोप्रो को करते हैं, अगर मार्जिनली देखें तो गोप्रो शायद बेटर हो, लेकिन इन डे टू डे लाइफ आपको इतना ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि इसकी क्वालिटी किसी DSLR को बीट कर सकती है तो ऐसा नहीं है। मैं कहूंगा कि मुझे इसकी वीडियो स्मार्टफोन के लेवल की लगी, मतलब आपके पास कोई लेटेस्ट आईफोन है तो उसके बराबर है। तो आप ये सोचेंगे कि भाई आईफोन क्यों ना चूज कर ले, लेकिन आईफोन के साथ दिक्कत ये है कि वो इतना बड़ा है और साथ साथ सबसे पहले तो आपको स्टोरेज का बर्डन पड़ेगा क्योंकि स्टोरेज कम पड़ जाएगी आईफोन की अगर आप 4K में शूट करोगे, तो ये आईफोन से तो बेटर है। तो ये चीज इसके अंदर बहुत बढ़िया है, वीडियो क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, कहीं भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अगर आप लाइक सोशल मीडिया के लिए ट्रैवल व्लॉग्स के लिए देख रहे हो तो मोर देन सफिशिएंट है। और अगर वीडियो क्वालिटी की बात कर ही रहा हूं तो मैं बता दूं जो इसके वीडियो रेजोल्यूशन है तो ये 4K 120 FPS तक जा सकता है, तो आप बहुत बढ़िया स्लो मोशन ले सकते हैं। मैं जो वैसे प्रेफर करता हूं, मैं करता हूं 4K 60 FPS, क्योंकि उसके अंदर एक तो आपको 1:2 स्लो मोशन मिल जाता है, मतलब 50% स्लो मोशन मिल जाता है, और साथ ही साथ आपके पास ज्यादा स्टोरेज की दिक्कत नहीं होती क्योंकि अगर आप 120 FPS में शूट करोगे तो आपको स्टोरेज भी बहुत ज्यादा चाहिए। तो इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत बढ़िया है और वीडियो रेजोल्यूशंस भी बहुत ज्यादा इसके अंदर मौजूद है। जैसे मैंने बताया इसके अंदर बहुत सारे फ्रेम रेट और रेजोल्यूशन मौजूद है। इसके साथ साथ इसके अंदर एक बहुत एडवांस फीचर है कि आप इसमें 4:3 एस्पेक्ट रेशियो में रिकॉर्ड कर सकते हो, तो अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह के लिए यूज कर सकते हो तो उसे फर्दर क्रॉप करना बहुत ज्यादा आसान रहेगा, या आप अपने अकॉर्डिंग 16:9 में उसे प्रोजेक्ट में डालेंगे तो अपने अकॉर्डिंग आप अपनी रेशियो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, इसकी वीडियो क्वालिटी और क्वालिटी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे जिस प्राइस पे आप इसे पे करोगे। थर्ड चीज जो इसके अंदर अच्छी है, दैट इज इसकी स्टेबलाइजेशन। नाउ इसकी स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है, आपको चलते हुए कोई भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि यार थोड़ी सी शेकी फुटेज आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जो स्टेबलाइजेशन है वो बहुत बढ़िया है, नियर अबाउट जितनी GoPro की है तो उतनी ही इसकी स्टेबलाइजेशन है, तो आपको स्टेबलाइजेशन में भी कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। और इसके अंदर एक और अच्छा फीचर है, दैट इज हॉरिजॉन बैलेंसिंग, जो कि आपका हॉरिजॉन लेवल में रखती है, तो उसका मैं आपको डेमो दिखाता हूं कि वो क्या कर सकती है। तो इसमें आप देख सकते हैं एक्चुअल कैमरा कितना मूव हो रहा है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल एक स्टेबल फुटेज ले रहा है, तो ये भी इसकी बहुत बढ़िया चीज है। GoPro और इसकी मैं बराबर ही मानता हूं, ऐसा नहीं है कि GoPro की बहुत ज्यादा इससे आगे है, बहुत बढ़िया स्टेबलाइजेशन है इसकी। फोर्थ थिंग जो इसके अंदर अच्छी है, दैट इज ये वाटर प्रूफ है। अब वाटर प्रूफ से मैंने तो बहुत फायदा उठाया है, मतलब मैंने अंडर वाटर शॉर्ट्स वगैरह लिए हैं इसके साथ और बहुत मजा आया है, और मैं मानता हूं बहुत बढ़िया चीज है इसके बारे में। थोड़ी सी दिक्कत ये है कि सिर्फ इसकी ये कैमरा यूनिट जो है वो वाटर प्रूफ है, अगर आप इसके साथ इसे अटैच कर देंगे तो ये वाटरप्रूफ नहीं रहता, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है वाटरप्रूफ के बारे में। लेकिन वैसे अगर आप इसे से यूज करते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और इसके साथ साथ मैंने एक एक्सेसरी ले रखी है जिसके साथ मैं इसे वाटर में भी यूज कर सकता हूं, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। बाकी अभी जो मैं आपको सिलिकॉन केसेस के साथ ये कैमरा दिखा रहा हूं या जो मैंने आपको और चीजें इसके बारे में एक्सेसरी दिख रहे हैं, तो उन सबका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने खरीदनी है तो वहां से खरीद लीजिएगा। बाकी अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं कि मैं कौन कौन सी एक्सेसरीज यूज करता हूं अपने एक्शन कैमरा के साथ, तो उसके लिए आप कमेंट में लिखना पड़ेगा, तो मैं वो वीडियो भी जल्दी आपके लिए ले आऊंगा। तो ये वाटर प्रूफ है, अब उसका कैसे आप फायदा उठा सकते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन उससे काफी यूनिक हो जाता है कि कि अगर आप अंडर वाटर शॉर्ट्स लेना चाहो, आप एडवेंचरस हैं, जैसे बेसिकली मुझे लगता है वाटर पार्क वगैरह में भी लोग सोचते हैं हम कुछ अच्छे से व्लॉग वगैरह शूट कर ले, वीडियोस बना ले, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हैंडी है ये चीज। और जो लास्ट है, दैट इज फील्ड ऑफ व्यू। अब इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही वाइड है, तो अगर आप इसमें स्टेबलाइजेशन ऑन कर लोगे, अगर आपको पता होगा जब आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन इनेबल करते हैं तो काफी क्रॉप हो जाता है, तो
इसका फील्ड ऑफ व्यू इतना वाइड है कि इनेबल करने के बाद भी आपके जो फील्ड ऑफ व्यू में है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो ये बहुत ही बढ़िया है। टू बी एग्जैक्ट ये 155 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू देता है, जो कि बहुत वाइड है, इवन वाइडर देन योर GoPro या कोई भी आपके पास कैमरा का लेंस हो या आईफोन का लेंस हो, तो उन सब से ये बहुत ज्यादा वाइड है। तो आप देख सकते हैं फिलहाल कि दोनों में कितना कंपैरिजन है, एक है आईफोन का अल्ट्रा वाइड और एक है हमारे DJI का। तो इससे आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि कौन कैसा परफॉर्म करता है और कितना वाइड है इसका फील्ड ऑफ व्यू। ये मैंने इसलिए कहा ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि कितना वाइड है, तो ये लिटरली बहुत वाइड है अगर आप DJI Action 2 को देखें। आईफोन की भी अच्छा खासा वाइड है, लेकिन मुझे लगता है DJI Action 2 बहुत ज्यादा वाइड है, जो आपके बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पिक्चर कैप्चर कर सकता है। तो ये तो है इसके फायदे के बारे में, अब इसके कुछ नुकसान के बारे में बात कर सकते हैं। सबसे पहला तो है बैटरी। अगर आप इसके साथ इसे यूज कर रहे हो मॉड्यूल के साथ तो भी ये लंबी बैटरी देता है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसे यूज कर रहे हो तो ये थोड़ा सा कम बैटरी लाइफ देता है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि वाटरप्रूफ ये सिर्फ मेन यूनिट है, ये नहीं है, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। अब कुछ लोग बहुत हीटिंग इशू के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं, जिसके बारे में सुनना चाहते हैं कि अगर मैं हीट इशू की बात करूं, तो देखिए पहले से इन्होंने फर्मवेयर अपडेट डाल के वो कम कर दे है, इतनी जल्दी हीट नहीं होता। सेकंडली इन्होंने केसेस भी लॉन्च करे हैं मैग्नेटिक, जो कि इंडिया में मुझे पता नहीं कैसे मिलेंगे, वैसे वो फ्री केसेस हैं। अब मुझे नहीं पता, आप कभी वीडियो देखे, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो वो केसेस अवेलेबल नहीं है, तो मैंने एक सिलिकॉन केस ले रखा है। तो वैसे मैं आपको लिटरली बताऊं कि मैंने आज तक कोई हीटिंग इशू फेस नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने ये कैमरा कभी बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज किया है, और मुझे लगता और कोई भी करेगा। अगर आप लाइक उनमें से है कि लाइक बिना हाइपरलैप्स के बहुत देर तक इस पे शूट करेंगे तो शायद हीट इशू फेस करेगा, बाकी मैंने हीट इशू फेस नहीं किया क्योंकि मैं इसके अंदर छोटी क्लिप्स लेता हूं। अब मैं छोटी छोटी क्लिप्स इसलिए लेता हूं क्योंकि देखिए अगर मैं इस पे लंबी लंबी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगूंगा तो ये मेमोरी बहुत जल्दी फिल हो जाएगी और मुझे एडिट में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, तो मैं इसे थोड़ी छोटी क्लिप के लिए यूज करता हूं। बाकी मैंने इसे 10 मिनट भी 15 मिनट भी लगातार शूट किया है और मुझे ऐसा सच कोई इशू नहीं आया। और हीट इशू नहीं फेस किया इसका मतलब ये नहीं है कि ये गर्म नहीं होता, ये बहुत जल्दी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इसे शूट कर रहा हूं और गर्म की वजह से ये ऑटोमेटिक शट डाउन हो गया हो, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कभी भी। और ये हीटिंग इशू या ये गर्म इसलिए भी ज्यादा लगता है हाथ के ऊपर क्योंकि ये मेटल बिल्ड है, GoPro वगैरह पे एक रबराइज ग्रिप सी होती है जिसकी वजह से वो ज्यादा गर्म नहीं लगता, लेकिन ये एक मेटल बिल्ड है तो ऑब्वियसली बात है ये ज्यादा गर्म फील होता है उनके रिस्पेक्ट में। और समर सीजन में आप थोड़ा सा ज्यादा इशू फेस करोगे ये गर्म होने वाला। और इसकी जो इंटरनल स्टोरेज है दैट इज 23 GB करीब, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। आप इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस अटैचमेंट के साथ भी यूज करना पड़ेगा, चाहे वो पावर कॉम्बो हो चाहे ड्यूल स्क्रीन कॉम्बो हो, तो ये भी एक चीज है जो आप चाहें तो नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि 23 GB अगर आप 4K में शूट कर रहे हो तो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो अब लास्ट में मैं कंक्लूजन आपको बताना चाहूंगा कि आपको लेना चाहिए नहीं। तो देखिए ये समय अगर आप ड्यूल स्क्रीन कॉम्बो लोगे तो ये 40,000 के अराउंड है, और अगर आप बेसिक लेना चाहते हैं 30,000 के अराउंड है। यहाँ पे DJI ने मुझे थोड़ा धोखा दिया, जब मैंने खरीदा था तो ये 50,000 प्लस था, और जैसे ही मैंने खरीदा उन्होंने 10,000 रिड्यूस कर दिए, लेकिन 40,000 के अंदर या 30,000 के अंदर ये बेस्ट एक्शन कैमरा है। जो इसकी वर्सिटिलिटी है वो बहुत बढ़िया है, और इसके साथ साथ आपको कुछ क्लैंप्स भी मिलते हैं जो एक आप ट्राइपॉड पे माउंट कर सकते हो, और एक आप जो GoPro की आपके पास ऑलरेडी थोड़ी बहुत एसेसरी है या DJI Action 1 की आपके पास कोई एसेसरी है तो उसके साथ आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके अंदर एसेसरीज भी आपको मोर देन सफिशिएंट मिल जाती है। जो इसका ट्राइपॉड वाला माउंट है वो सिर्फ आपको ड्यूल स्क्रीन कॉम्बो मिलेगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उसे अलग से खरीदेंगे शायद वो 3,000 का है, और वो काफी ज्यादा वैसे हैंडी है, लेकिन हाँ उसके बिना भी काम चल सकता है। और मैंने कई तरीकों से इसके जो माउंट यूज कर रखे हैं, लाइक मेरे पास एक GoPro का स्टिकी पैड था तो मैंने उसके साथ ये कार में माउंट कर रखा है, जिससे मैं कार में यूनिक शॉट ले सकता हूँ। बाकी जो उसका ट्राइपॉड माउंट है मैं उसे एक सेल्फी स्टिक पे माउंट करके अपने शॉट्स ले लेता हूँ। तो ओवरऑल ये बहुत बढ़िया पैकेज है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने वीडियो सैंपल्स देखा है, आपको इसकी क्वालिटी अच्छी लगी तो आपको इसके लिए जाना चाहिए। अगर आपके पास आपने FPV शॉट्स लेने हैं बहुत अच्छे, आपको एक टेंशन फ्री कैमरा चाहिए जिसे आप ज्यादा कैरी कर सकें, तो उसमें DJI Action 2 बहुत बढ़िया है। GoPro की मैं बात करूं, GoPro थोड़ा बड़ा है, उसे कैरी करने के लिए उसे माउंट करने के लिए आपको थोड़ी सी बॉदरेशन मुझे लगती है। मैंने GoPro भी यूज किया है, GoPro 6 यूज किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही वर्सटाइल कैमरा है। और जैसे मैंने बताया ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद के पैसों से ये खरीदा था, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। बाकी ओवरऑल ये बहुत बढ़िया है। बाकी मैं एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैं सिर्फ इसके सैंपल्स दिखाऊंगा, तो अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आपको वो वीडियो मिल जाए। तो फिर अगर आप इसे खरीदने का मन बना चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से खरीदें। और DJI बहुत मशहूर है अपने फर्मवेयर अपडेट्स को लेकर, तो अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो अपने आप ये इलिमिनेट कर देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ। और हाँ, अगर आपको इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है, ट्रैवल व्लॉग्स देखना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। सो सी यू सून, बाय बाय।